शनिश्चराय नमः। मानव जीवन पे हमेशा से नौ ग्रहों का प्रभाव बना रहता है। ऐसा देखा जाता है कि जिसके ऊपर नौ ग्रहों की कृपा हो जाए उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख संसाधनों में वृद्धि होती जाती है। उन्होंने कैंसर बताया, उसके बाद जब ये कुछ ठीक सी हुई तो ठीक भी बता दी। वही डॉक्टर थे, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई। आगे ना ठीक हुए, अभी इसको 5 साल हो गए, अब ये हमारे सिर का भार हो गई। देखो ठीक करो, मेरे अपने पास रखो, ठीक है, मिठाई खिलाओ इनको और मोटा करो, खिला खिला के। देखा बता, इसको कैंसर है, टीवी है, कहाँ गई वो डॉक्टर की इतनी रिपोर्ट है, रट्टा भर के, गोलियां भर के, पैर मोड़ना चालू करते हैं, क्यों बता रहे दर्द कहाँ हुआ मुझे। अरे वो हाय हाय कर बंद हो, मैंने अच्छी गला बोलो। शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव। और माता जी को आपने देखा टीवी इनकी आज ही खत्म हो जाएगी, दर्द इनके आज ही खत्म हो जाएंगे, कष्ट इनके आज ही खत्म हो जाएंगे। और डॉक्टर कहेंगे इनके रोग को डॉक्टर ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाओगे, क्या करते रहेंगे, ढूंढते रह जाओगे। तो मनु भैया में डॉक्टरों में अंतर नजर आया, पहली बार में आराम मिल गया, कभी मिला आराम 4 साल में, कितने साल से बीमार है भाई, 7-8 साल से बीमार है, 7-8 साल से, 7-8 साल से। कितना पैसा लगा चुके हो हॉस्पिटलों में, 10-11 लाख लगा दिए, 10-11 लाख लगा दिए, 10-11 लाख में से 1,00,000 रुपया उल्टा लेके आ सकते हो, हाँ ना, चेहरा देख के बता, नहीं 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 नहीं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? आर्मी में। एक आर्मी मैन को जितनी सैलरी मिलती है उसका चौथा हिस्सा तो तुमने दे दिया, कितना वो पूरे जीवन में कमाता है भाई, उतना तो तुमने केवल अपनी माँ की चिकित्सा में खर्च कर दिया, फिर तुम्हारी चिकित्सा है और बाकी परिवार की चिकित्सा। बोलो, वो सो जाती है और माँ को बीमार देखा जाता नहीं है, और डॉक्टरों को इतनी शर्म आती नहीं कि भाई वो कुछ पैसे छोड़ दे, 11 लाख का 5 लाख में इलाज कर दे। माता जी अब हाँ नहीं हो रही, क्या बात हो रही, पैर मोड़ो, पालती मार, बिल्कुल पालती मारने में जो बाधा आती है वो मेरे को बता भाई, ये बाधा आई है। दर्द कहाँ हुआ है, पैर नीचे, चल भाई चला जा, तू मैं मारू इससे पहले, इससे पहले मैं मारू इसको, सुखा दो दर्द को, ले जाओ भाई ले जाओ शनि धाम के, तू तो अपनी मजबूती दिखला दो और बता दो किसी भी डॉक्टर को कि आपसे बड़ा दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है, आपसे बड़ा दुनिया में कोई धाम नहीं है, शनि धाम दुनिया का सबसे बड़ा धाम है, जहाँ मंत्र द्वारा चिकित्सा होती है और मंत्र भी वो जिसको दुनिया जानती है। ओम नमः शिवाय। बोलो जय शनिदेव, सबसे पुरातन है, सबसे सनातन है, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, अपने मन को साफ करो। कहाँ दर्द है, घुमा आगे कर तो पता चलेगा दर्द है कि नहीं, पैरों को आगे करो, पीछे करो, तेजी के साथ करो, भूल जा तू बीमार थी, दिमाग से निकाल दे तू बीमार है, मैं बैठा हूं। माता फायदा है, फायदा भैया, दर्द कहाँ हो रहा है अभी, कितना हो रहा है, उतना ही जितना लेके आई थी, कम है थोड़ा, कितना कम, थोड़ा कम है, बहुत कम है, नहीं बैठा नहीं जावे, बहुत कम है ना तो बैठा ही नहीं जावे, अभी बैठी अभी इनकी हड्डी में कहाँ दर्द हो रहा है, बैठे बैठे, फिर पहले तो बैठने से भी दर्द होता था इनकी हड्डी में, टुकड़ा नहीं बैठना नहीं, ना तो मारी जाएगी हड्डी, तो ना टूटते रही, बोला मैं तो झुक गई बावले, मैं तो बोला झुक गई, इतनी झुक गई कुछ हद नहीं, थोड़ा नहीं इतनी झुक गई कि जमीन पे हाथ रख दिए, रखे कि नहीं रखे, रख दिए भैया,
अरे अपने पापा से भाई बात करा दे यार, आर्मी मैन से बात करा दे, आर्मी वालों का कोई भी टुकड़ा है। अरे एक बार भाई इसको बता दियो। मारो पकड़ के, मारो पकड़ के, मारो पकड़ के, निकाल के, निकाल के नाश करो इसका। आगे करो आगे। कितने महीने हो गए, एक भी दिन के लिए दर्द बंद हुआ? उत्तरोत्तर बीमार होती जा रही है, डॉक्टर को पता ही नहीं है कि उसका रोग क्या है और हमारा रोग क्या है। डॉक्टर को ये बात सीखनी पड़ेगी, मानो भैया के पास आके भारत के सारे डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिलाओ, उनको बताओ कि कुपित वायु जरूरी है चक्कर में, अगर नहीं चेक की तो लोग ऐसे ही मारे जाएंगे बिना बात के। हाँ देखो, कहाँ पे दर्द हुआ? अच्छा ठीक है, तो वीडियो कॉल करना है तो। हेलो भगवान, आप बात करो इनसे, माता जी से बात करो जो आपकी गर्दांगनी है, पूछो कुछ आराम लगा है क्या। जय शनिदेव। हाँ बताओ उनको, दर्द कहाँ है? बहुत फर्क है जी मुझे अब दर्द में, रीढ़ की हड्डी में। आज इन्होंने, मैं धरती पे भी बैठा आज नहीं, 4 साल से धरती पे भी नहीं बैठी मैं। हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ हो, ड्यूटी पे हो आप? आपकी ड्यूटी कहाँ चल रही है? कलकत्ता चल रही है, वो आपसे दूर है, आप दुखी हो, आप बीमार हो, तो उनका तो मन नहीं लग रहा होगा वहाँ। ठीक है, उनको तो बेचैनी हो रही होगी, आपकी वीडियो देखते रहते हैं पूरे दिन भाई। चलो ठीक है, वीडियो देखने का कुछ तो लाभ हुआ। बोलो जय शनिदेव। भैया तुम्हें एक बार वहाँ और ले जाओ जहाँ रीढ़ की हड्डी ठीक होगी। चलो भाई चलो, निकलो, कुपित वायु को निकाल दो, डॉक्टरों को बता दो। आगे आगे आगे, माथा आगे कर, आगे कर, आगे झुक, आगे झुक, झुक झुक, बोलते जय शनिदेव, 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 जय शनिदेव। आपसे मैंने किया तीन चार बातें क्या, और पीछे पीछे ठीक है। अभी खड़ा करो एक बार माता जी को, फिर झुकाओ। एक बार तालियां बजा दो, माता जी के दर्द कम हो गए। ये पूछो उठते हुए कहां दर्द हुआ था? नीचे हुआ था, तो नीचे का तो कुछ बता ही नहीं रखा डॉक्टर ने, वो भी मैं देख लूंगा। घुटने का ऑपरेशन बताया था, ये सब हड्डी बेकार हो गई, खत्म खत्म हो गई। पहले बता दे गठिया बाय। हां कैलाश हॉस्पिटल में ने गली गठिया बाने की भी हड्डी में। अच्छा पहले गठिया बाय बताई, फिर टीवी बताई, गठिया बाय टीवी में बदल गई। एमआरआई कैमरा जो चेक होने से बोले उसमें टीवी बदल गई। अच्छा एक बार झुको, आधा छूट जाएगी वरना झुकने की। शोर मत करे भाई, कोई शोर नहीं करेगा। ये देख लो भाई, माता जी ने जमीन पे हाथ लगा दिए, झुक के ये पैर।